त्यौहार वाली यानी पार्ट रखा करो, बेइज्जती वाली बात है अगर आप समझते नहीं तो मजबूरी में किया था। लो नामो हरिहंताणाम नामो सेधाणाम नामो आयरियाणाम नामो उवझायाणाम नामो लो साहूणाम हे सो पांचनामो कारो सावपावपणासनो मांगलानाम च सावे सिंह पड़मांहावई मांगलम। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। आओ भगवन आओ, इस अंतर मन में आओ, मेरे जीवन के कण कण में बन कर प्राण समाओ। आओ भगवन आओ, इस अंतर मन में आओ, मेरे जीवन के कण कण में बन कर प्राण समाओ। आओ भगवन आओ, लिया तुम्हारा शरणा है, मोह निराकृत करना है, लिया तुम्हारा शरणा है, मोह निराकृत करना है, इसने मुझको मारा है, तुमने इसे सहारा है, तब ही जिन कहलाते हो सबको राह दिखाते हो, बन कर निर्देशक इस रण में मुझको विजय दिलाओ। आओ भगवन आओ, इस अंतर मन में आओ, मेरे जीवन के कण कण में बन कर प्राण समाओ। आओ भगवन, चारों ओर अंधेरा है, एक सहारा तेरा है, चारों ओर अंधेरा है, एक सहारा तेरा है, जीवन सूना सूना है, पिछड़ा दूना दूना है, बुझा हुआ हूँ दीप प्रभु आया आ
आप समीप प्रभु, तुम जलते दीपक हो मुझको, अपने तुल्य बनाओ। आओ भगवन आओ, इस अंतर मन में आओ, मेरे जीवन के कण कण में बन कर प्राण समाओ। आओ भगवन आओ, निज को इतना भूल गया, बिल्कुल ही बन शूल गया। निज को इतना भूल गया, बिल्कुल ही बन शूल गया। आसमान का तारा हूँ, इस जग से मैं न्यारा हूँ, इस जग से विच्छेद मिले, मेरा मुझे आ भेद मिले। अपनी ऊंची श्रेणी में अब मुझको भी बिठलाओ। आओ भगवन आओ, इस अंतर मन में आओ, मेरे जीवन के कण कण में बन कर प्राण समाओ। आओ भगवन आओ, बोधि बीज जो पाया है, तरु बन कर मुस्काया है। बोधि बीज जो पाया है, तरु बन कर मुस्काया है। सत्य ज्ञान का हो सिंचन, झंझाओं से हो रक्षण। फल आने की ऋतु आए, भव्य साधना बन जाए। पुष्पित पल्लवित जीवन हो, करुणा रस बरसाओ। आओ भगवन आओ, मेरे अंतर मन में आओ, मेरे जीवन के कण कण में बन कर प्राण समाओ। आओ भगवन आओ, आओ भगवन आओ, आओ भगवन आओ। बोले राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री मनोहर मुनि जी महाराज की जय। संसार दावा नल दाह नीरम, सम्मोह धूलि हरने समीरम। माया रसादा
रनसार सीरम नमामि वीरम गिरिसार धीरम नमामि वीरम गिरिसार धीरम। परम आराध्य, परम वंदनीय पूज्य गुरुदेव, राष्ट्र संत, वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य भगवान के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की असीम एवं अनंत आस्थाओं सहित कोटिशय वंदन करने के उपरांत उपस्थित धर्मानुरागियों पूजनीय गुरुदेव श्री जी की असीम अनुकंपा से उन्हीं द्वारा प्रदत्त ज्ञान चिंतन बिंदुओं एवं मार्गदर्शन के आधार पर आपको स्मरण होगा कि विगत प्रवचन में हम मूर्खता के अभिशापों के बारे में कुछ परिचर्चा करने का प्रयत्न कर रहे थे। हमने विचार किया था कि गगन मंडल में शस्य श्यामल घटाएं घुमड़ घुमड़ कर आती हैं और गर्जन करती हुई बरस पड़ती हैं। वे ये नहीं देखती कि नीचे खेत है, मैदान है अथवा हरे भरे उपवन। वे निष्पक्ष भाव से सबको जल से सींच देती हैं। पानी खेत में गिरता है तो प्रत्येक पौधे को समान रूप से तरावट मिलती है। उपवन में गिरता है तो प्रत्येक पौधा, प्रत्येक वृक्ष और प्रत्येक लता समान रूप से जल प्राप्त करके पुष्पित और पल्लवित हरी भरी हो जाया करती है। कहने का मतलब यही है कि मेघ मालाएं सभी प्रकार के वृक्षों को एक सा मीठा जल देती हैं, किंतु हम देखते हैं कि आम के फल मीठे होते हैं और नीम के कड़वे, दोनों एक ही प्रकार के जल से अभिवृद्धि बढ़ोतरी पाते हैं, किंतु दोनों के फलों में महान फर्क, बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। आम अत्यंत मीठा और सुस्वादु होता है और नीम के फल अत्यधिक कड़वे और कशैले होने के कारण उन्हें खाना किसी के लिए भी आसान और सुगम कार्य नहीं होता। क्या मेघों ने बरसने में कोई पक्षपात किया, आम को मीठा पानी दिया और नीम को कड़वा? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे समान भाव से सबको एक जैसा जल प्रदान करते हैं, किंतु सभी वृक्षों और पौधों की उन गुणों को परिनमन करने की क्षमता और योग्यता के आधार पर उनके फलों के स्वाद में बहुत भारी फर्क और अंतर आ जाता है। इसी प्रकार मनुष्यों में भी होता है। माता पिता की कई संतान होती हैं, सभी माता पिता उनमें एक जैसे उत्तम संस्कार डालने का प्रयत्न करते हैं, किंतु कोई कोई ही अच्छे संस्कारों को ग्रहण कर पाते हैं, बाकी सब संस्कारहीन और उजड्ड बने रहते हैं। माता पिता की तरह गुरु के पास भी अनेक शिष्य ज्ञानोपार्जन और विद्या प्राप्ति के लिए आते हैं। गुरु उन्हें एक जैसा और एक समान ज्ञान दान देते हैं, किंतु उनमें से कुछ तो विद्वान और पंडित बन जाते हैं और कुछ अनपढ़, मूर्ख और अज्ञानी ही रह जाते हैं। ना तो माता पिता यह चाहते हैं कि उनकी कोई संतान संस्कार शून्य और उजड़ बने, और ना ही गुरु यह चाहते हैं कि उनका शिष्य मूर्ख की उपाधि प्राप्त करे, किंतु उनके हजार चाहने और लाख प्रयत्न करने पर भी अनेक शिष्यों और संतानों की बुद्धि ज्ञान से बिल्कुल शून्य और खाली रह जाने के कारण वे मूर्ख की डिग्री और उपाधि प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें अपनी मूर्खता से ही प्रेम होता है और मूर्ख बने रहना वे अपने लिए हितकारी और लाभप्रद समझते हैं। मूर्ख व्यक्ति की पहचान कुछ लक्षणों और सिम्टम्स के आधार पर की जा सकती है, जिनके बारे में हम साविस्तार विगत प्रवचन में काफी कुछ श्रवण कर चुके हैं। बंधुओं, दुनिया में मूर्खता को वरदान मानने वालों की भी कोई कमी, कोई अभाव नहीं है। विश्व में अनेकों विचारधाराओं के व्यक्ति पाए जाते हैं। मूर्खता को या अज्ञानता को प्रश्रय देने वाले, प्रमोट करने वाले अज्ञानवादी भी होते हैं। संसार में
अनेक त्यागी वैरागी पंडित विद्वान साहित्यकार दार्शनिक और तत्ववेता होते हैं। सभी अपने अपने ढंग और अपने अपने तरीके से ज्ञान का वर्णन करते हैं, परंतु उन सब का ज्ञान परस्पर विरोधी होता है। एक मत का आचार्य जो ज्ञान बताता है, अन्य मत का आचार्य उसे मिथ्या साबित करने का प्रयत्न करता है। फलस्वरूप सभी ज्ञान मिथ्या गलत और झूठ प्रतीत होने लगते हैं। इस प्रकार अज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। अतएव मनुष्य को ज्ञान के पचड़े और चक्कर में ना पड़कर अज्ञान को ही एडॉप्ट और स्वीकार करना चाहिए। ऐसे कुतर्कवादी लोग आगे बढ़कर और कहते हैं कि ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़ता है त्यों त्यों दोष और बुराइयां भी बढ़ती जाती हैं, क्योंकि जानकार व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो उसे उसका पाप लगता है, किंतु ना जानते हुए भी दोष का सेवन करने वाला उस पाप से मुक्त हल्का फुल्का और बिना बंधा हुआ और बिना फंसा हुआ रहता है। जिस प्रकार की एक अबोध और निर्दोष बेसमझ बालक के द्वारा किया हुआ कोई अपराध मनुष्य समाज और कानून की दृष्टि से तीव्र दंड के योग्य नहीं माना जाता, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट किशोर अधिनियम के अंतर्गत बुरे से बुरा काम करने वाले किशोर को भी तीव्र दंड और पनिशमेंट का अधिकारी नहीं माना जाता, किंतु अगर कोई ज्ञानी या जानकार व्यक्ति कोई गलत काम करता है, कोई दोष का सेवन कर लेता है, तो वह अवश्य ही पाप का भागी बनता है और उसे दंडित किया जाता है, कठोर सजा कानून के द्वारा दी जाती है। हमारी दृष्टि में अज्ञानवादियों के ये समस्त कथन बिल्कुल गलत झूठे और अयथार्थ साबित होते हैं। प्रथम बात तो यह है कि अगर सभी ज्ञान परस्पर विरोधी होने के कारण मिथ्या है, तो फिर अज्ञानवाद को भी तो मिथ्या ही माना जाएगा और उसे स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट और संकोच नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बालक में और मूर्ख व्यक्ति में बहुत बड़ा फर्क और अंतर पाया जाता है। बालक की तो मन की शक्तियों का और उसके गुणों का विकास नहीं होता, अतः वह अपराध की सृष्टि और सर्जना कर बैठता है, किंतु उसमें गुण ग्रहण करने की योग्यता और उन्हें जीवन में अंगीकार करने एडॉप्ट करने अपने जीवन में प्रतिष्ठित करने की भावना और संकल्प होता है। अतः वह अपनी भूलों और गलतियों को सहज भाव से स्वीकार कर लेता है, कन्फेस कर लेता है, उनके प्रति शर्मिंदा भी होता है और उनके लिए पश्चाताप रिपेंटेंस का भाव भी अपने हृदय में लेकर आता है। जैसा कि पिछली बार भी मैंने भर्तृहरि के एक श्लोक के द्वारा आपको बताने का प्रयत्न किया था कि बालक कभी भी एक मूर्ख व्यक्ति की तरह अपनी नादानी अपनी बेसमझी और अपनी अज्ञानता को सही और ठीक सिद्ध और साबित करने का प्रयत्न नहीं करता। आशा है कि आप मेरे इस कथन के मर्म को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसका जिस्ट और सार मात्र इतना है कि मूर्खता वरदान नहीं अपितु अभिशाप है, ब्लेसिंग नहीं बल्कि करस है। मूर्ख व्यक्ति इस संसार में बिना सींग और पूंछ के पशु की तरह होता है। कबीर जी ने इसीलिए तो कहा है कि विधाता ने बैल घड़ंता नर घड़ा चूका सींग और पूंछ। विधाता ने बैल बनाते बनाते मूर्ख व्यक्ति की संरचना और निर्माण कर दिया, किंतु वे उसमें सींग और पूंछ लगाना भूल गए, इसका उन्हें स्मरण नहीं रहा। यानी कोई अन्य अंतर मूर्ख और बैल जैसे पशु में नहीं पाया जाता। वास्तव में मूर्ख व्यक्ति कभी भी समाज में सम्मान प्राप्त करने का मुस्तहक और अधिकारी नहीं होता,
चाहे वह सुनहरे जरी के कपड़े भी क्यों ना पहन ले, किंतु फिर भी वे मूरख के कपड़े ही कहलाएंगे। ए फूल मे हैव हिज कोट एम्ब्रॉयडर्ड विद गोल्ड बट इट इज ए फूल्स कोट स्टिल, यानी मूरख व्यक्ति चाहे कितने भी महंगे लबादे क्यों ना ओढ़ ले, किंतु उन्हें मूरख का वस्त्र और मूरख का कपड़ा ही कहा जाएगा। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति मूर्खों के संपर्क में रहना पसंद नहीं करता। भर्तृहरि ने इसीलिए तो कहा है, वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वंचरैस है ना मूरख जन संपर्क है सुरेंद्र भवनेशु अभी, अर्थात दुर्गम पर्वतों और वनों में वंचरों वन्य प्राणियों के साथ घूमना विचरण करना श्रेष्ठ है, किंतु मूर्खों का समागम स्वर्ग में भी बुरा है, क्योंकि उनकी संगति स्वर्ग में भी व्यक्ति को चैन और आराम की दो सांस लेने नहीं देती। मूर्ख व्यक्ति बुद्धिमानों की संगति में रहना कदापि पसंद नहीं करता, और अगर मूर्ख व्यक्ति की संगति बुद्धिमान लोग कर लेते हैं तो वे भी उपहास और मजाक के पात्र बन जाते हैं, और उनकी गणना भी मूर्खों और ना समझ लोगों में होने लगती है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि तलवार के घर में जाकर अगर कोई व्यक्ति दूध का गिलास लेकर उसे अपने लबों होठों से लगा ले तो भी देखने वाले यही समझते हैं, यही धारणा बनाते हैं कि वह मदिरा पान कर रहा होगा, शराब का सेवन कर रहा होगा। असत संग के बासों गुण अवगुण हुए जात, दूध पीवे तलवार घर मदिरा सब ही बुझात। किसी अन्य विद्वान स्कॉलर ने भी बड़े सुंदर ढंग से ये बताया है कि मूर्खों की संगति में कुछ भी सार और जिस्ट नहीं है। उजाड़ को कूप, चंडाल को रूप, होली को भूप, कछु न कछु, ऐठ को अन्न, निर्धन को मन, कंजूस को धन, कछु न कछु, नीच को नेह, दुष्ट को गेह, चैत की मेह, कछु न कछु, दुष्ट का संग करो मत प्यारे, संगत सार कछु न कछु। कवि कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति की संगत कभी भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका समागम और संपर्क करने से कुछ भी लाभ कुछ भी फायदा नहीं होता, 100 का घाटा यानी पूरा नुकसान और अहित ही व्यक्ति को उठाना पड़ता है। कहते हैं कि तुच्छ विचार वाले नीच लोगों की संगति करने से व्यक्ति की स्वयं की बुद्धि भी तुच्छ और मलिन हो जाती है। समान श्रेणी के मनुष्यों के साथ रहने से बुद्धि ज्यों की त्यों एज इट इज बनी रहती है, और उच्च विचार वाले लोगों के संपर्क में समागम में रहने से वह उत्कर्ष और अभ्युदय को प्राप्त करती है। इसीलिए तो पंचतंत्र में कहा गया है, हियते ही मतिस्तात हीनै सह समागमात समैश्च समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टताम। मूर्ख व्यक्ति को समझाना अति कठिन और बहुत मुश्किल है, अति कठिन ही नहीं बल्कि इसे असंभव और नामुमकिन समझ लेना चाहिए। कहा भी गया है, ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि तम नरम ना रंजयति। अल्पज्ञ मूर्ख व्यक्ति को सुधारने की शक्ति और ताकत तो ब्रह्मा जी के पास भी नहीं होती, यानी जो व्यक्ति गलत होते हुए भी अपने सही होने का दंभ और दिखावा करता है, दूसरों की नेक सलाह अच्छी बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं होता, उसका सुधार कर पाना उसे इम्प्रूव कर पाना किसी के लिए भी पॉसिबल मुमकिन और संभव नहीं होता। जिस तरह बैंत का वृक्ष बादलों के द्वारा अमृत बरसाने पर भी फलता फूलता नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्मा जी के समान योग्य गुरु का समागम मिल जाने पर भी मूर्ख व्यक्ति का चित्त कदापि चेतता नहीं, उसमें ज्ञान के बीज का
स्वपन करके किए जाने पर उसका वृक्ष और पौधे के रूप में ट्रांसफॉर्म हो पाना कदापि मुमकिन और संभव नहीं होता। फूल ही फर ही ना बेत जदपि सुधा बरस ही जलद मूरख हृदय न चेत जे गुरु मिलिए बिरंजी सम, यानी ब्रह्मा के समान गुरु का समागम मिल जाने पर भी मूरख व्यक्ति के लिए अपना सुधार और अपनी इम्प्रूवमेंट कर पाना कदापि मुमकिन और संभव नहीं होता। मूरख व्यक्ति को सीख देने जाना उसी प्रकार है जैसे कि भैंस के आगे बीन बजाना, जिस तरह भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं होता, इसी तरह मूरख को आप चाहे कितनी भी अच्छी से अच्छी उत्तम से उत्तम शिक्षा भी देने का प्रयत्न क्यों ना करो किंतु उसका भी कोई लाभ कोई फायदा कोई एडवांटेज नहीं हो पाता। मूरख व्यक्ति कालिदास का उदाहरण देकर मूरखता को अपने लिए वरदान साबित करने का प्रयत्न करते हैं किंतु उनकी यह धारणा ठीक और सही नहीं होती। एक व्यक्ति अंधेरे में पत्थर ढेला फेंकता है, संयोगवश वह नियत स्थान पर फिक्स्ड प्लेस पर जाकर लग जाता है किंतु ऐसा होना हर समय मुमकिन और संभव नहीं है। यही स्थिति मूर्खता के संबंध में भी समझ लेनी चाहिए। कभी कभार संयोगवश मूर्खता के कारण काम बन सकता है, मनचाहा लाभ और फायदा प्राप्त करना हासिल करना पॉसिबल हो सकता है किंतु कभी कभी तो मूर्खता के कारण प्राण जाने की नौबत भी व्यक्ति के जीवन में आ जाती है। एक बार एक बाबा जी अपने दो चेलों के साथ घूमते फिरते हुए एक नगर के बाहर पहुंचे। नगरी का नाम और परिचय पूछने पर किसी व्यक्ति ने उन्हें बताया, बाबा जी अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। बाबा जी यह बात सुनकर कि यहाँ सब्जी और मिठाई दोनों टके शेर मिलते हैं बहुत खुश और प्रसन्न हुए और उन्होंने उसी नगरी में रहने का भाव अपने शिष्यों के सामने प्रकट किया किंतु उनके दो शिष्यों में से एक शिष्य बड़ा ही बुद्धिमान और समझदार था। उसने अपने गुरु को बार बार आग्रह पूर्वक मूरख नगरी में रहने से रोकने की चेष्टा की किंतु गुरुजी तो टके शेर मिठाई मिलने की बात सुनकर अंधेर नगरी पर लट्टू हो गए थे। वे किसी भी तरह माने नहीं, लाचार होकर बुद्धिमान शिष्य गुरु की आज्ञा लेकर उनसे दूर किसी अन्य गांव में जाकर रहने लगा और बाबा जी अपने दूसरे शिष्य के साथ अंधेर नगरी में जाकर वहां पर निवास करने लगे। समय अपनी स्वाभाविक गति से बीतने लगा और बाबा जी सस्ती मिठाइयां खाकर खूब मोटे ताजे हो गए। एक दिन सुबह सवेरे जब वे उठे और अपनी कुटिया से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि चौराहे पर कुछ सिपाही खड़े होकर इधर उधर झांक रहे थे और ज्यों ही उनकी निगाह बाबा जी पर पड़ी तो वे उनकी ओर तेज तेज कदमों से बड़े चले आ रहे थे। प्राण रक्षा के लिए बाबा जी अपनी कुटिया के भीतर जाकर छिप गए किंतु राज कर्मचारियों ने उन्हें वहां से भी पकड़ लिया और राज दरबार की ओर ले जाने लगे। बाबा जी ने गिड़गिड़ाते हुए जब ऐसा करने का कारण पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि अभी अभी एक चोर को फांसी दी जा रही थी किंतु चोर दुबला और पतला था और फांसी का फंदा बहुत बड़ा तैयार हो गया था जिस कारण राजा ने आज्ञा दी है कि किसी मोटे आदमी को लाकर फांसी के फंदे पर चढ़ा दो। बाबा जी अब उस मूरख राजा की नगरी में रहने की अपनी गलती पर पश्चाताप करने लगे और सिर धुनकर जोर जोर से विलाप करने लगे। संयोगवश उसी समय उनका बुद्धिमान शिष्य जो किसी दूसरे गांव में रहने लगा था वहां पर आ पहुंचा। सारी बात सुन समझकर उसने अपने गुरु के कान में आकर कुछ बात कही।
बाबा जी कुछ संतुष्ट हुए और राज कर्मचारियों के साथ चलने के लिए तत्पर हो गए। पीछे पीछे चेला भी चल पड़ा और वह शोभा यात्रा जलूस के रूप में उस जगह पर पहुंचे जहां फांसी दिए जाने का सारा बंदोबस्त और इंतजाम किया गया था। वहां पर राजा, महामात्य, दरबारीगण और प्रजाजन विपुल संख्या में उपस्थित थे। राज कर्मचारियों से चारों ओर घिरे होने के कारण बाबा जी के लिए भाग पाना भी मुमकिन और संभव नहीं था। कर्मचारियों ने उन्हें फांसी के चबूतरे पर चढ़ा दिया और पीछे पीछे उनका शिष्य भी गुरु के साथ ही ऊपर प्लेटफार्म पर चढ़ गया और पहले बनाई हुई योजना के मुताबिक दोनों आपस में झगड़ा करने लगे कि पहले मैं फांसी के फंदे पर चढ़ूंगा। उन्हें इस प्रकार झगड़ा करते हुए देखकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वह नजदीक आकर पूछने लगा, आप दोनों में झगड़ा होने की क्या वजह है, क्या कारण है? बाबा जी ने पहले बनाई योजना के मुताबिक कहा, राजन आपसे क्या छिपाना, इस समय स्वर्ग में इंद्र का स्थान खाली पड़ा हुआ है, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी फांसी देने का प्रबंध कीजिए ताकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरा प्राणी इस मर्त्य लोक से जाकर वहां पर इंद्र के पद और सिंहासन को हासिल कर लिए, इसलिए इस कार्य में तनिक भी विलंब मत कीजिए। राजा अव्वल दर्जे का मूर्ख और ना समझ था, वह फांसी के फंदे के नजदीक आकर कहने लगा, वाह, मेरे राजा रहते हुए कौन वहां देवलोक में जाकर स्वर्ग में इंद्र के पद को प्राप्त कर सकता है, मैं ही वहां पर जाकर इस पद को प्राप्त करूंगा। यह कहते हुए उसने फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया और जल्लाद को उसे तेजी से खींचने की आज्ञा दी। कुछ ही समय में महाराज परलोक सिधार गए। बंधुओं, एक मूरख की जान बची किंतु दूसरे मूरख के प्राण चले गए, यह है मूरखता का फल और परिणाम। इस प्रकार कभी कभी मूरखता के कारण अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ता है। बंधुओं, समझने की बात यह है कि मनुष्य के पास बुद्धि बल से बढ़कर दूसरी कोई भी श्रेष्ठ और उत्तम वस्तु नहीं है। बुद्धि की स्थिरता के बिना मनुष्य कभी भी सफलता और कामयाबी कदापि हासिल नहीं कर सकता। बुद्धि के द्वारा ही मनुष्य का मनुष्यत्व प्रकट होता है, इसीलिए तो कहा गया है, वाइज मैन लर्न बाय अदर मैन्स मिस्टेक्स, फूल्स बाय देयर ओन एंड समटाइम्स नॉट इवन बाय देम। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियों से शिक्षा लेते हैं, किंतु मूर्ख व्यक्ति कभी कभार तो अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं और कभी उनकी अकल पर इतना गहरा पर्दा पड़ जाता है कि अपनी त्रुटियों और अपनी भूलों से भी वे कुछ समझने का प्रयत्न नहीं करते। इसीलिए तो कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति का एक दिन मूर्ख व्यक्ति की तमाम जिंदगी के बराबर होता है। ए वाइज मैन्स डे इज वर्थ ए फूल्स होल लाइफ। तात्पर्य यही है कि मूर्ख रहकर लंबी जिंदगी और उम्र पाने की अपेक्षा बुद्धिमान बनकर कम जिंदगी जीना ज्यादा उत्तम और ज्यादा श्रेष्ठ होता है। जिस प्रकार गाड़ी भर लकड़ी की अपेक्षा चुटकी भर चंदन ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वह सुगंध प्रदान करता है। बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि दर्पण और आईने के समान होती है, जो स्वर्ग का प्रकाश लेकर उसे रिफ्लेक्ट कर देती है, परावर्तित करने का कार्य करती है। मूर्ख व्यक्ति कभी भी बुद्धिमान की बराबरी और समानता नहीं कर सकता, चाहे वह उसकी अपेक्षा
धन में श्रेष्ठ हो, शारीरिक स्वास्थ्य में श्रेष्ठ हो और सौंदर्य की दृष्टि से कितना अमीर और समृद्ध क्यों ना हो, किंतु फिर भी उसके लिए बुद्धिमान की बराबरी और समानता करना कदापि मुमकिन और संभव नहीं होता। सैकड़ों हाथी घोड़ों पर चलने वाले बुद्धिहीन और मूर्ख लोग पैदल चलने वाले अर्थात धनहीन किंतु बुद्धिमान लोगों की बराबरी, तुलना और समानता उसी प्रकार नहीं कर सकते जिस प्रकार की महल के शिखर पर टॉप पर बैठने वाले कौवे नदी के तट पर विचरण करने वाले राजहंसों की बराबरी और समानता किसी हालत में किसी स्थिति में करने की शक्ति और सामर्थ्य नहीं रखते। बंधुओं, यह मानव शरीर हमें मूर्खतापूर्वक व्यर्थ गवाने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य के देह में ही परमात्मा का दीदार और दर्शन हो सकता है, इसीलिए तो इसे नारायण की नगरी कहा जाता है। यह शरीर वह चिंतामणि रतन पारस पत्थर है जिसके द्वारा हम स्वर्ग से भी अधिक मूल्यवान मोक्ष की उपलब्धि और प्राप्ति कर सकते हैं, बशर्ते कि हम अपनी मूर्खता और अपनी अज्ञानता का परित्याग करके ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हासिल करने का प्रयास और प्रयत्न करें। अज्ञानी व्यक्ति ना तो अपनी आत्मा को समझ सकता है और ना आत्मा की अनंत शक्ति को रिकॉग्नाइज करना उसके लिए मुमकिन और संभव होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में पशुवत पेट भरता हुआ अपना वक्त और अपना समय व्यतीत करता जाता है। उस समय से कुछ भी लाभ उठा पाना उसके लिए संभव नहीं होता। आंग्ल भाषा के प्रसिद्ध कवि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने मानव जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य बहुत सुंदर ढंग से बताया है, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। पराक्रम, पुरुषार्थ और मेहनत करते हुए ज्यादा से ज्यादा ज्ञान का उपार्जन और प्रभु की भक्ति में तन्मय और तल्लीन हो जाना, इसे ही मानव जीवन का एम और ऑब्जेक्ट समझना चाहिए। उपनिषदों में भी इसीलिए तो ऋषियों ने कहा है, इही चेद वैदिदत सत्यमस्ति ना चेदिहा वेदीन महति विनष्टि, अर्थात यहाँ इस जीवन में इस शरीर में जिसने ब्रह्मा को जान लिया, ईश्वर का दीदार और दर्शन कर लिया, उसी का जीवन और उसी का समय सफल और सार्थक है, अन्यथा जीवन निष्फल निष्प्रयोजन और व्यर्थ चला जाता है। बंधुओं, इस शरीर रूपी नौका से पार उतरने की कला ज्ञान के द्वारा ही सीखना व्यक्ति के लिए मुमकिन और संभव है, अन्यथा मूर्खता के कारण तो मझधार में ही डूबने की स्थिति व्यक्ति के जीवन में आ जाती है। अतः ज्यादा से ज्यादा ज्ञान उपार्जन करके और ज्ञान का मूल्य ज्ञान की कीमत समझकर अपने जीवन को उपयोगी और सफल बनाने का प्रयास हर व्यक्ति को करना चाहिए। आपने समझ लिया होगा कि मूर्खता वरदान नहीं अपितु अभिशाप है, क्योंकि अज्ञानता की वजह से व्यक्ति गलत धारणाएं बना लेता है और कुकर्म और कुक्रियाएं करने में अपने शरीर अपने मन और अपनी वाणी को नियोजित करके पाप कर्मों का उपार्जन करके अपने यही लौकिक जीवन को भी अशांति में और बोझ स्वरूप बनाता है और परलोक में भी दुर्गतियों में भटकने और अनेक दुखों पीड़ाओं और तकलीफों की यातनाओं को झेलने के लिए मजबूर और विवश होता है। इसलिए कल्याण की कामना और अभिलाषा रखने वाले व्यक्ति को अज्ञान को छोड़कर ज्ञान को हासिल करने का प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए। बस आज इतना ही और अधिक नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी के। मांग लो सच्चे दिल से भक्ति, मांग लो सच्चे दिल से भक्ति, कुछ कामी इसके दर पे नहीं है, एक तेरे सिवार कोई, एक तेरे सिवार कोई, दूसरा देने वाला नहीं है, मांग लो सच्चे दिल से भक्ति, अपना दामन फैलाना कहीं तू, तुझको दुनिया से कुछ ना मिलेगा, अपना दामन फैलाना कहीं तू, तुझको दुनिया से कुछ ना मिलेगा, सिर्फ प्रभु जी भरेंगे तेरी झोली, सिर्फ प्रभु जी भरेंगे तेरी झोली, दूसरा देने वाला नहीं है, मांग लो सच्चे दिल से भक्ति, कुछ कमी इसके दर पे नहीं है, मांग लो सच्चे दिल से भक्ति, सब सहारे ठिकाने है झूठे, एक सच्चा सहारा वही है, सब सहारे ठिकाने है झूठे, एक सच्चा सहारा वही है, इनके कदमों में रहना हमेशा, इनके कदमों में रहना हमेशा, इससे बेहतर ठिकाना नहीं है, मांग लो सच्चे दिल से भक्ति, सारी दुनिया को फानी समझ लो, कोई हर दम यहाँ ना रहेगा, सारी दुनिया को फानी समझ लो, कोई हर दम यहाँ ना रहेगा, नाता जोड़ो प्रभु से हमेशा, नाता जोड़ो प्रभु से हमेशा, किसी ने साथ निभाना नहीं है, मांग लो सच्चे दिल से भक्ति,
कौन कहता है मालिक नहीं है, हम भक्तों की सुनता नहीं है। कौन कहता है मालिक नहीं है, हम भक्तों की सुनता नहीं है। सच्चे दिल से पुकारोगे हर पल, सच्चे दिल से पुकारोगे हर पल, आए फौरन वो रुकता नहीं है। मांग लो सच्चे दिल से भक्ति, कुछ कमी इसके दर पे नहीं है। एक तेरे सिवार कोई, एक तेरे सिवार कोई, दूसरा देने वाला नहीं है। मांग लो सच्चे दिल से भक्ति। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि आज संक्रांति का पावन दिन है, तो संक्रांति का नाम श्रवण करने से पूर्व आप कुछ समय के लिए शांति पाठ एकाग्रता पूर्वक श्रवण करने का लाभ लें। वत्स गरम पासंग पासंग वंदामि कम घन मुकम विसहर विसनिनाशंग मंगल कल्याणवासंग विसर फुलिंग मंतम कंठे धारी जोश्या मनु तसग रोग मारे दुठजरा जंती वसमंग चिठुवे दूरे मंतो तुज पनामो विबोफलोई नर त्रियसु विजीवा पावंते ना दुख दुहगम तूस मत्ते लद्दे चिंता मनी कब पाए वभिये पावंते अविघ नंग जीवाय रामरंग ठानंग ई संथो महायस भक्ति भर निभरे निहेन तादेव दिजवेंग भवे भवे पास जिंचन। ओम घंटा कर्णो महावीर सर्व व्याधि विनाशक विस्फोटक भयम प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल यत्र त्वम तिष्ठ से देव लिखितोक्षर पंक्ति भी रोगास तत्र पर्णश्यन्ति वातपित कफोद्भवा तत्र राजभयम नास्ति यान्ति कर्णे जपात्क्ष्यम शाकनी भूत वेताला राक्षसा प्रभवन्ति नोना अकाले मरणं तस्नाचा सर्पेन दृश्यते अग्नि चौरभ्यम नास्ति। ओम रिंग श्रिंग घंटा कर्णमोस्तुते ओम नरवीर ठै 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 स्वाहा परमेष्ठी नमस्कारम सारम नव पदात्मकम आत्म रक्षा करम वज्र पंजराभंग सम्राम्यम ओम नमो अरिहंतानम शिरिष्कम शिरिष्य स्थितम ओम नमो सब सिद्धानंग मुखे मुखपटम वरम ओम नमो आयरियानंग अंगरक्षायिते शायिनी ओम नमो उवज्झायानंग आयुधम्मस्तो ओम नमो लोय सब साउनंग मोचके पादव शुभ ऐसो पंच नमो कारोशिला वज्रमयितले सब पावप नाशनो वप्रो वज्रमयो वही मंगलानंच सव्य सिंह खादिरंगार खातिका स्वाहंतम च पदंगियम परमंग हवई मंगलम वप्रोपरी वज्रमयंग पिधानंग देरक्षने महाप्रभावा रक्ष्यम शुद्रो पद्रव नाशनी परमेष्टि पदोद्भूता कथिता पूर्व सूरिभि यश्चेवम कुरुत रक्षाम परमेष्टि पदे सदा तस्ना स्याद भयम व्याधि राधिशापी कदाचन। ओम नमः पारश्वनाथाय विश्व चिंता मनियते हरिंग धर्नेन्द्र वैरोट्या पद्मा देवी उतायते शांति तुष्टि महापुष्टि धृति कीर्ति विधायने ओम हरिंग जड़ व्याल वेताल सर्वाधि व्याधि नाशने ज्याजित आख्या विजयाख्या पराजित यानवित दिशाम पाले ग्रह अक्षर विद्या देवी भिरणवत ओम असि आउसाय नमस्तत्र त्रैलोकनाथताम चतुष्षष्टि सुरेन्द्रास्ते भास्यतर चामरे श्री शंखेश्वर मंडन पारश्व जिन परनत कलप तरु कलप चूर दुष्ट विरातम पूरे में वांछितम नाथे। ओम नमस्त्री जगनेतुर वीरस्य अग्रिम सुणवे समग्र लब्धि मानिक्य रोहनाय इन
इंद्रभूते पादंग भोजंग भगवतो गौतम से नमस्ताम वशी भवंती त्रैलोक के संपदो विगत आपदे तब सिद्ध से बुद्ध से पादम भोज हृदय करने पिपरती कलप शाकिव कामी तनु तनुमताम श्री गौतम अक्षीर महान सस्य तब कीर्तना स्वर्ण पुष्पाम पृथ्वी मुच्च नोति नरश्रियम अतिशेषे तराम धामना भगवन भास्क्रियम श्रियम अति सौम्यतया चांद्री मोह ते भीम कांतता विजित संसार माया बीजम मोह महीपतिम नरस्यान मुक्ति राज श्री नायक त्वत्प्रसादते द्वादशांगी विदो वेदा श्री इंद्रादि सुर सेवित अगण्य पुण्य ने पुण्यम तेषाम साक्षात कृतु असि नमे स्वाहा पति ज्योति तिरस्कारी तनुतुषे श्री गौतम गुरु तुभ्यम वागीशाय महात्मने इति श्री गौतम स्तोत्र मंत्रम ते समरतो अनुभम श्री जिनप्रभ सुरेस्त्वम भव सर्वात सिद्धि आदो सती सुभद्रा च पातु पश्चातु सुंदरी ततश्चंदन बाला च सुलसा च मृगावती राजी मती ततशूला दमयंती तत परम पद्मावती शिवा सीता ब्राह्मी पुनश द्रौपदी कौशल्या चत कुंती प्रभावती सतीव्रा सती नामांक यंत्रोयंग चतुर्थ समुद्भव यस्य पार्श्वे सदा यंत्रो वर्तते तस्य सांप्रतं भूरी निद्रा नायाति नायान्ति भूत प्रेत का ध्वजायाम निरपते यस्य अंतरंग धृते वर कार्मनादिक तंत्रेष्णा स्यात् तस्य प्रभव स्तोत्रम सती नाम सुगुरु प्रसादात कृतम मयोद्योत मृगादीपेन यह स्त्रोत्र में तत्प्रति प्रभाते सा प्राप्त सततम मनुष्य आदो नेमि जनंग नौमी संभवंग सुविधिंग तथा धरंग नाथंग महादेवम शांतिम शांतिम करम सदा अनंतम सुव्रतंग भक्तिया नमीनाथ जिनोत्मम अजितम जित कंदर्पम चंद्रम चंद्र संप्रभंग आदिनाथंग तथा देवम सुपार्श्व विमलंग जिनंग मल्लिनाथंग गुणोपेतंग धनुष्याम पंचविंशतिंग अरनाथंग महावीरम सुमतिम च जगद्गुरुम श्रीपदम प्रणामानंग वासुपूज्यंग शरणदम शीतलम शीतलम लोके शांचम शेषे सदा कुंथुनाथंग च वामियंग श्री अभिनंदनंग जिनंग जिनानाम नाम्बिर बद्य पंच षष्ठी समुद्भव यंत्रोयंग पूजते बुधे भूत प्रेत पिशाचादिर विहम तत्र न विदते सकल गुण निदानम यंत्र में नंग विशुद्धम हृदय कमल कोशे धीमतान दय रूपम जय तिलक गुरु श्री सूरी राजस्य शिष्यो वदति सुख निदानंग मोक्ष लक्ष्मी निवासम जगद गुरुम नमस्कृत्वा श्रुत्वा सद्गुरु भाषितम ग्रह शांतिम प्रवक्ष्यामि लोकानाम सुखेद्वे जनाम लग्ने च राशु च पीड़यन्ति यदा ग्रह तदा संपूज्य धीमान खेचरे सहितांजिनान श्री पदम प्रवस्य मार्तंडश चंद्र चंद्र प्रवस्य च वासु पूज्यस्य भूपुत्रो बुद्धोऽप्यस्य दिनेषु च विमलानंत धर्मारा शांतिर्कुंतु नमस्ता वर्धमानास्तते तेषां पाद पद्मे बुद्धं नसेत् ऋषभाजी सुपार्श्वाश्चाभिनंदन शीतलो सुमति संभव स्वामी श्यांशु गीष्पति सुविधि कथित शुक्र सुव्रतस्य स्नेश्चर नेमिनाथ भवेद राहु केतु श्री मल्ली पार्श्व जिनानाम अग्रता कृत्वा ग्रहानाम शांति हेत्वे नमस्कार शतम भक्त्या जपे दशरोतम शतम भद्रबाहुर्वाचिवम पंचमे शुद्ध केवली विद्या पर्वत पूर्वाद ग्रह शांति रुदिरिता ओम ह्रीं श्रीं ग्रहाश्चंद्र सूर्य अंगारक बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्चर राहु केतु सहिता खेटा जिनपति पुरतो अवतिष्ठंतु मम धन धान्य जय विजय सुख सौभाग्य धृति कीर्ति कांति शांति तुष्टि पुष्टि बुद्धि लक्ष्मी धर्मार्थम कामदस्यु स्वाहा तिजय बहुत प्यासी है अठ महापाडीहर जुतानंग सम्यक्षि ठानम सरेमी चक्कम जिनम दानम पणवीसा या असिया पनरस पन्ना जिनमर समूह नासेव सल दुर्यम भव्यानंग भत्ति जुतानंग दीसा पनियाला विया तीसा पनत्तरी जनवरिंदा गा बुव रख सैनी गौरव सगम पना संतु सत्री पंतीसा विया सठी पंचेव जिनगनो ऐसो वाहि जल जलन हरि करी चोरारी महाभयम हरऊ पन पन्नया दसेविया पनठ तेव चलुषा रखंतु में शरीरम देवासुर पणमिया सिद्धा ओम हरुमा सरसुमसा हरुमा तयचर सरसुमसा आलिय नाम गब्बम चक्कम किर स्वभदम ओम रोहिणी पनत्ति वज सिंकला तय वजम कुसिया चक्रेश्री नरदत्ता काली महाकाली गौरी गंधारी महाज्वाला मानवी विरोटा छुपता मानसी महामानसी विद्या देवी रखंतु पंचदश कम भूमिसु उपन्नंग सत्री जिनान सेम विवि रैना इवन्नो विसोयंग हरु दुर्यंग चौतीस ऐसे अजुआ अठ महापाडियर गैसवा तिथरा गयमुआ झायवा पैतनंग ओम वर कने शंख विद्यो मर गय घन सन्नी विगय मोहंग सत्री संग जिनानंग सवा मरपुयम वंदे स्वाहा ओम भवन वई वानवंतर जोई स्वासी विमानवासिया जे के वी दुठ देवा
ते सव्य उसमंतु मम स्वाहा चंदन कपूरेन फले लियून खालियम पियम एगंत राय गाबुए साइनी मुग्गम पनासे इस सत्री से जंतम सम्मम मंतम दुवारी पढ़लियम दुरियारी विजयवंतम निभंतम निच मच्चे है नम्रा मरेश्वर किरीट निविष्ट शोन रतन प्रभा पटल पाटली तांग्री पीठा तीर्थेश्वरा शिवपुरी पथ सार्थवाहा निशेष वस्तु परमार्थ विदो जयंती लोकाग्र भाग भवना भवभीति मुक्ता ज्ञानावलोकित समस्त पदार्थ सार्था स्वाभाविक स्थिर विशिष्ट सुख समृद्धा सिद्धा विलीन घन करम मला जयंती आचार पंचक समाचरण प्रवीणा सर्वज्ञ शासन धुराय कुधरंदराये ते सूर्यो दमित दुर्दम वादी वृंदा विश्वोपकार करण प्रवना जयंती सूत्रम यति नति पटु स्फुट युक्ति प्रमाण युक्ति युक्त युक्ति प्रमाण नय भंग गमे गभीरम ये पाठ यंती वर सूर्य पदस्य योग्यास ते वाचकाश चतुर चारु गिरो जयंती सिद्धांगना सुख समागम बद्ध वांछा संसार सागर समुत्तर नैक चित्ता ज्ञानादि भूषण विभूषित देह भागा रागादि घात रतयो यतयो जयंती ओम पुण्याहं पुण्याहं प्रियंताम प्रियंताम भगवंतो अरहंता सर्वज्ञ सर्वदर्शिन त्रिलोक नाथा त्रिलोक महिता त्रिलोक पूज्या त्रिलोक ऐश्वरा त्रिलोक उद्योतकरा ओम ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पदम प्रभ सुपाश चंद प्रभ सुविधि शीतल श्रेयांश वासु पूज्य विमल अनंत धर्म शांति कुंथुअर मल्लि मुनि सुव्रत नमी नेमी पार्श वर्द मानंता जिना शांता शांति करा भवंतु स्वाहा ओम मुनियो मुनि प्रवरा रिपु विजय दुर्भिक्ष कांतरिषु दुर्ग मार्गेषु रक्षन्तु व नित्यं स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं धृति मति कीर्ति कांति बुद्धि लक्ष्मी मेधा विद्या साधन प्रवेशन निवेश नेशु सुग्रहित नामानो जयंतु ते जिनेन्द्रा ओम रोहिणी प्रज्ञप्ति वज श्रृंखला वज्रांकुशी आ प्रति चक्रा पुरुष दत्ता काली महाकाली गौरी गंधारी सर्वास्त्रा महाज्वाला मान्य विरोटा छुपता मानसी महामानसी षोडश विद्या देवी रक्षन्तु व नित्यं स्वाहा ओम आचार्य उपाध्याय प्रभृति चातुर्वर्ण से श्री शमन संग से शांतिर्भवतु तुष्टिर्भवतु पुष्टिर्भवतु ओम ह्रीं श्रीं ग्राहश्चंद्र सूर्य अंगारक बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्चर राहु केतु सहिता सलोकपाला सोम यम वरुण कुबेर स्कंद विनायकोपेता ये चान्य अपि ग्राम नगर क्षेत्र देवता देस ते सर्वे प्रियंताम प्रियंताम अक्षीन कोश कोष्ठागारा नरपत्यश्च भवन्तु स्वाहा ओम पुत्र मित्र भरात्री कलत्र सुवरा स्वजन संबंधी नित्यम च आमोद प्रमोद कारिन अस्मिच भूमंडलायतन निवासी साधु साध्वी श्रावक श्राविका नाम रोगोपसर्गा नाम व्याधि दुख दुर्भिक्ष द्वारमनस्य उपशमनाय शांतिर्भवतु ओम तुष्टि पुष्टि रिद्धि वृद्धि मांगल्य उत्सवा सदा प्रादुर्भूतानि पापानि शामयन्तु दुरितानि शतर्वय परांग मुखा भवन्तु स्वाहा श्रीमते शांतिनाथाय नमः शांति विधायने त्रैलोक्य अस्य अमराधीश मुकुटाभि चेतांग्रिये शांति शांति करे श्रीमान शांतिम दिशतु मे गुरु शांतिरेव सदा तेषां येषां शांतिर्गृहे गृहे उन्मृष्ट रिष्ट दुष्ट ग्रह गति दुस्वपन दुर्निमित्तादि संपादित हित संपन्न नाम ग्रहणे जयति शांते श्री संग जगत जनपद राजाधिप राज सन्निवेशनम गोष्ठिकपुर मुख्यानम व्याहर नैर व्याहरे शांतिम श्री श्रमण संगस्य शांतिरवतु श्री पौर जनस्य शांतिरवतु श्री जनपदानाम शांतिरवतु श्री राज सन्निवेशनम शांतिरवतु श्री गोष्ठिका नाम शांतिरवतु श्री परम पौर मुख्यानाम शांतिर्भवतु श्री ब्रह्म लोकस्य शांतिर्भवतु ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम श्री पारश्वनाथाय स्वाहा ओम नमो भगवती पद्मावती सर्वजन मोहिनी सर्व कार्य करनी मम विकट संकट हरनी मम मनोरथ पूर्णी मम चिंता चूर्णी ओम भगवते पद्मावते नमः ओम नमो भगवती पद्मावती पदम नेत्रे पदम आसने लक्ष्मी दायिनी वांछा पूर्णी शत्रु उच्चाटनी मन मोहिनी सर्व नर नारी वशी करनी प्रियम कुरु कुरु रिद्धि वृद्धि कुरु कुरु राजा प्रजा मोह मोह स्वाहा ओम नमः चक्रेश्वरी चक्रधारिणी चक्रवारुणी चक्रवेगेन मम उपद्रवम हन 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 शांतिम कुरु कुरु स्वाहा।